स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल रमिंदर मैथ्स हब. आई एम रमिंदर. गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे. आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9. पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं. इट इज़ एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106. फाइंड द 29th टर्म. हमारे पास यहाँ पे एक ए पी है जिसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, और क्या गिवन है कि थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म है 106. हमें फाइंड आउट करनी है 29th टर्म. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गिवन है कि टोटल यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं. टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 50. फाइन, 50 है टोटल टर्म्स. मीन्स अगर ये है फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो टोटल हमारे पास कहाँ तक जाएगी, ये 50th टर्म तक. मीन्स टोटल टर्म्स 50 हैं, तो ये अगर 1, 2, 3 ये कहाँ तक जाएगा, ये 50 नंबर तक जाएगा. फाइन, 50 हमारे पास टोटल टर्म्स हैं. और क्या गिवन है कि 20 ये गिवन है हमारे पास कि थर्ड टर्म इज 12. ये वाली जो टर्म है ये कितनी गिवन है, 12 गिवन है. फाइन, और क्या गिवन है, लास्ट टर्म इज 106. तो लास्ट टर्म कौन सी है, यहाँ पे दिस इज़ द लास्ट टर्म, है ना. 50 है टोटल टर्म्स, तो ये वाली जो लास्ट टर्म है वो कितनी गिवन है, 106. फाइन, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने बोला कि टोटल 50 टर्म्स है और थर्ड टर्म इतनी है और लास्ट टर्म 106 है. ठीक है, तो टोटल टर्म्स अगर 50 हैं तो लास्ट टर्म 50th टर्म ही होगी डेफिनेटली. इसके आगे तो कोई टर्म है नहीं है. ठीक है, तो 50th टर्म जो लास्ट है वो कितनी है हमारे पास, 106. हमें फाइंड आउट कौन सी करनी है, 29th टर्म. मीन्स ट्वेंटी नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे जाके कहीं पे 29th टर्म भी आएगी तो वो हमें फाइंड आउट करनी है. फाइन, सो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है. A29, पहले तो हम लेट कर लेते हैं. लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस respectively of the given AP. Fine? Means ये जो A है this is the first term and D जो है ये common difference है. ठीक है, A है हमारा first term और D है common difference. तो इसके according हमारा AN का formula जैसे हम use करते हैं A plus N minus 1 into D, इसी को use करेंगे. जो जो given है, जो जो हमें find out करना है, इसी में values put करके सारे answers आएंगे हमारे पास. ठीक है, अब हमारे पास given क्या था, 12th term is थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास, ये थर्ड टर्म जो है वो हमारे पास 12 गिवन है और लास्ट टर्म दैट इज 50th टर्म जो है वो हमारे पास 106 गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है 29th टर्म को. फाइन, सो कैसे करेंगे, ए थर्ड, तो आपको पता है जैसे पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आते थे, दो इक्वेशंस हमें हमारी यहाँ पे बन जाएंगी और वहाँ से हम ए और डी की वैल्यूज़ जो हैं ये फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि हमने ये खुद से लगाए हैं ए एंड डी. फाइन, सो ए 3 इज इक्वल टू 12 मीन्स ए एन का यही वाला फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इन टू डी. फाइन, जहाँ जो भी नंबर यहाँ पे होता है, 3 नंबर है जैसे यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 करके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा. फाइन, दैट इज 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ए प्लस 2D बन गया और ए 3 की वैल्यू कितनी है, 12. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, ए 50 इज इक्वल टू ए प्लस 49D. डायरेक्टली यूज कर लूँ, 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 49. फाइन, सो दिस इज 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49D. ये बन गई सेकेंड इक्वेशन. अब हमें ए और डी की वैल्यूज चाहिए. दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं. दिस इज सॉल्विंग 1 एंड 2. ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ए प्लस 49D इज इक्वल टू 106. सो अब साइन चेंज होंगे क्योंकि सेम साइन है, ओपोजिट करने पड़ेंगे. ये अब माइनस का हो गया, प्लस है यहाँ पे, ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो गया. ठीक है, तो अब साइन कौन से इनके, ये जो सर्कल हुए हैं जो चेंज करके आए हैं साइंस. ठीक है, ए माइनस ए इज 0, 2 माइनस 49 इज व्हाट, माइनस ऑफ 47D, है ना. माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़े नंबर के साथ कौन सा नंबर है, माइनस का साइन. प्लस माइनस इज माइनस, 49 माइनस 2 इज 47, और साथ में बड़े का साइन और साथ में डी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो रहा है. 106 में से अगर हम 12 को माइनस करें तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है हमारे पास 94. सो यहाँ पे माइनस का आएगा 94 फिर से, क्योंकि बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस का. अब क्या होगा, ये दोनों साइड्स पे सिंगल सिंगल टर्म्स बचे तो माइनस इसका कैंसिल हो गया. डी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 94
डिवाइडेड बाई 47 है ना, क्योंकि 47 और डी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता मींस मल्टीप्लाई का साइन होता है. तो अगर ये 47 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली कटिंग हो रही है, 47 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए क्या बन रहा है, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9 हो गया. सो 47 वन ज़ा 47, 49 टू ज़ा 47, 2 ज़ा 94. सो डी की वैल्यू कितनी बन गई है, 2. डी की वैल्यू आ गई. अब हम ए की भी वैल्यू निकाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके. फाइन, सो यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1. सो दिस इज 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी, दैट इज 2 इंटू 2. तो ये बन गया हमारे पास 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2 4. 4 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा है ना, क्योंकि इधर ये प्लस का है. तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 12 माइनस 4 दैट इज 8. तो ए भी हमारा आ गया. अब हमें फाइंड क्या करना था, 29th टर्म. सो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. नाउ यहाँ पे करते हैं, नाउ फॉर 29th टर्म A29 दैट इज A29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इन 2D. nth टर्म का फॉर्मूला फिर से वही हमने यूज़ किया, ठीक है. सो A29 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो फिल कर देंगे. 29 माइनस 1 इज 28 इंटू डी, डी कितना हमारा 2. फाइन, सो ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, दिस इज 8 प्लस 2 8 जा 16 प्लस 1 56 हो गया. ये हो गया 56 प्लस 8 इज 64. सो 29th टर्म जो है वो हमारी कितनी बन रही है, 64. फाइन, सो ये 8th क्वेश्चन खत्म. अब हम 9th क्वेश्चन भी कर लेते हैं. 9th क्वेश्चन इज इफ़ द थर्ड टर्म, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0. हमें थर्ड और 9th टर्म गिवन है एपी की, थर्ड टर्म है 4 और 9th टर्म है माइनस 8. तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी नंबर वाली टर्म जो है वो 0 होगी इस एपी की. फाइन, सो जो जो हमें गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसे लिख लेते हैं. जैसे ये हमारे पास एपी है A1, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड अप टू सो ऑन. सो ये हमारे पास गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है हमारे पास 4 एंड यहाँ पे जाके एक 9th टर्म भी आएगी, वो गिवन है हमें माइनस ऑफ 8 एंड अप टू सो ऑन. ये जाती जाएगी आगे भी, ठीक है. सो यहाँ पे हमें अब फाइंड आउट क्या करना है कि कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी, मीन्स किस नंबर पर, किस वाले n की किस वैल्यू पर जो है हमारा जो टर्म है ए एन वो हमारी 0 बनेगी. फाइन, सो हमें यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करना है. जैसे यहाँ पे थर्ड नंबर पर 4 टर्म है, थर्ड नंबर पर कौन सी टर्म है, 4, फोर्थ नंबर पर भी कोई टर्म होगी, 9th नंबर पर माइनस 8 है, तो कौन से नंबर पर एन की कौन सी वैल्यू पर ये ए एन हमारा 0 होगा. फाइन, सो लेट यहाँ पे भी हम स्टार्ट करते हैं. लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट term and common difference respectively of the given AP. Fine, and or kya let kare, an and an be the term 0, means जो 0 है हमारा वो nth टर्म पर है. फाइन, सो यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन है वो क्या है, थर्ड टर्म इज 4 here and 9th टर्म इज माइनस 8 है. फाइन, जो जो हमें गिवन है उससे पहले हम वैल्यूज निकालेंगे ए और डी की. यहाँ पे आ जाएगा A3 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 इन टू डी दैट इज ए प्लस 2D. तो ये बन गया हमारे पास A3 की वैल्यू, हमारे पास 4 है ना, तो हमने पुट की तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 4. यहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, यहीं पर बना लें, A9 इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 इन टू डी दैट इज क्या बनता है, माइनस 8 इज इक्वल टू ए प्लस 8D. फाइन, 9th टर्म जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी. अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज ए प्लस 2D इज इक्वल टू 4, ए प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8. ठीक है, एलिमिनेशन मैथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी अभी अभी किया. साइन को चेंज करें पहले, प्लस का है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है अब ये प्लस हो गया. फाइन, सो ये बन गया हमारे पास ए माइनस ए 0, 2 माइनस 8 प्लस माइनस इज माइनस, 8 माइनस 2 इज 6 और साथ में डी और साथ में बड़े का साइन दैट इज माइनस का साइन. और यहाँ पे 4 प्लस 8 दैट इज 12. तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आई,
12 अपॉन माइनस 6 है ना, वैसे ही जैसे हमने पिछले में किया कि माइनस 6 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, फाइन। सो यहाँ पे कटिंग करके देखिए आंसर बन रहा है हमारे पास डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, फाइन। देन अब डी की वैल्यू को पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, ये बनेगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू माइनस 2, दैट इज ए प्लस ए माइनस, ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 2 इंटू 2 4, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है। सो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 4, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी बनी 4 प्लस 4 8, फाइन। ए एंड डी दोनों आ गए। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी नंबर वाली जो टर्म है वो जीरो है, तो उसको हमने ऊपर लेट किया कि लेट nth जीरो बी द nth टर्म। सो यहाँ पे लिखेंगे ए एन, नाउ ए एन इज इक्वल टू जीरो, हमने खुद लेट किया ना कि जो जीरो है वो हमारा nth टर्म है, फाइन। सो यहाँ पे हमने वही लिख दिया। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू जीरो, हमें टर्म पता है, हमें उसका सिर्फ नंबर फाइंड आउट करना है कि वो कौन से नंबर पर आ रही है, ठीक है। सो ए कितना है 8, एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी हमारा कितना है हमने फाइंड आउट किया माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरो, फाइन। क्या करें अब 2 को, ये 8 को उधर शिफ्ट करें, ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 8, इधर प्लस का है ये उधर जीरो में से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फाइन। सो यहाँ पे क्या बच रहा है n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, ठीक है। 0 माइनस 8 इज 8, और साथ में बड़े का साइन, ठीक है। और अब क्या होगा, ये माइनस 2 उधर जाके सब क्या करें, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस 8 के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो n माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा, और माइनस माइनस कट गए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो n माइनस 1 कितना बना, n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और अब n की वैल्यू आ गई हमारे पास, n इज इक्वल टू ये माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, सो यहाँ से n की वैल्यू कितनी बन गई 5। सो जीरो कौन सी टर्म है हमारे पास, देयर फोर जीरो इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन ए पी, फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन ए पी, फाइन। जो हमने ए पी लेट की थी उसमें जो यहाँ पे फिफ्थ टर्म आएगी हमारे पास, वहाँ पे जीरो आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे जो नंबर आएगा वो हमारा जीरो होगा, फाइन। यही हमने चेक करना था कि कौन से नंबर वाली जो टर्म है वो जीरो है, फाइन। सो हमने इसको फाइंड आउट कर दिया, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।